हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोटो का PNG कैसे बनाएं या फिर अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। तो देखिए, यहाँ आप एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, बैकग्राउंड इरेजर। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं बैकग्राउंड इरेजर को ओपन करता हूँ एप्लीकेशन को। तो देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा प्रोसेस मिलेगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट, क्रिएट पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ पहले PNG कैसे बनाएंगे, PNG फ़ोटो का PNG कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया और ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को इरेज कर देगा। तो आप देख सकते हैं, इसका बैकग्राउंड पूरा हट गया है। और इसे यहाँ से सेव कर दें, यहाँ आपको राइट वाला साइन दिख रहा है, यहाँ से इसे सेव कर दें। तो देखिए, मैं इसे फिर से यहाँ से सेव दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको अपनी प्रोफाइल में जाके बता देता हूँ कि देखिए, इसका PNG कैसे हो गया है, या फ़ोटो का बैकग्राउंड पूरा इरेज हो गया, पूरा साफ हो गया और केवल फ़ोटो जो आपको दिख रहा है केवल वही फ़ोटो आ गया है। ये तो हो गया PNG। अगर इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, फिर से आप वहीं आएंगे, एग्जिट हो गए। देखिए, फिर से आप क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से फिर से आप एक फ़ोटो ले लेंगे, कोई भी फ़ोटो ले लें। चलो, मैं इसी को ले लेता हूँ। ये देखिए, फिर से ये ऑटोमेटिक इसे इरेज करेगा, ठीक है। देखिए, ये इसे इरेज कर दिया, पूरा बैकग्राउंड इसका इरेज हो गया, यानी पूरा बैकग्राउंड इसका साफ़ हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन अब इस समय बैकग्राउंड कैसे लगाना है, देखिए, अगर आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है तो आप यहाँ से देखिए, यह वाला जो आपको ऑप्शन लग रहा है इरेजर को क्लिक करेंगे। और देखिए, यहाँ से अगर आपको लग रहा है इसके थोड़े बाल आउट हैं तो यहाँ से इसके बाल को ऐसे इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। देखिए, हल्का हल्का अपने हिसाब से साफ़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये और ऊपर जाके इसे यहाँ से राइट वाले साइन से सेव कर दें, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, बैकग्राउंड कहाँ से लाएंगे, इसका बैकग्राउंड देखिए, ये वाला बैकग्राउंड, यहाँ से इसका बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसा कलर लेना चाहें वैसा आप कलर ले सकते हैं बैकग्राउंड का, ठीक है। देखिए, कोई भी अपना बैकग्राउंड ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेने हैं तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, नीचे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे ये, ठीक है। और देखिए, अब इसे यहाँ से इसे सेव कर दें, ये सेव हो गया। ऊपर से यहाँ से इसे सेव कर दें फिर से, ठीक है। ये देखिए, सेव हो गया आपका फ़ोटो।